देखिए, मुद्दे से भटकाना तो कांग्रेस का हमेशा से ही पेशा रहा है। इन्होंने कितनी बार दलित या आदिवासी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया, बताइए, पूछिए इनसे। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आ गए। कांग्रेस का सफाया तो लेफ्टिस्ट कर ही चुके हैं, कोई कांग्रेस के साथ रहना पसंद ही नहीं करता। आप बताइए, ममता बनर्जी रहना पसंद करती है? ममता जी कहती है कि बंगाल मेरे लिए छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें माफ कर दो, पंजाब और दिल्ली मेरे लिए छोड़ दो, टीएमसी कह रहा है जहां पर, अब आप देखिए डीएमके कहता है, वो कहता है कि कहीं हमारे लिए छोड़ दो, बिहार कहता है हमारे लिए छोड़ दो, अब आप बताइए सब कहते हैं कि हमारे लिए छोड़ दो, तो इनका तो नेशनल लीडर कोई है ही नहीं। अरे मोदी जी के तरफ कोई लाकर लीडर खड़ा तो करो, पता तो चले कि राहुल गांधी है क्या आपका लीडर। राहुल गांधी जिनको यही ना पता कि सुबह उठते हैं कि रात को उठते हैं, जो कहते हैं वो गेट अप इन द मॉर्निंग, आई उठा मैं रात को उठा, तो उनको कंफ्यूजन उनमें रहते हैं, एक तरह से आलू डालेंगे दूसरी तरह से सोना निकालेंगे, इनका तो हमें नहीं समझ में आता, उनको अब राहुल गांधी। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मैं आया सर आपके पास आ रहा हूँ, नाराज ना हुई बिल्कुल, अब कहना चाहते खड़े हो जाइए जी। प्रतीक जी, ये आलू सोने वाली जो घटना है ना, इसको कई बार तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये ना भाजपा के प्रवक्ताओं को ना भाजपा जो है बिल्कुल ज्ञान देती नहीं है, इनको बैठा के कुछ समझाती है नहीं। इनको पहले तो ये समझाइए कि ये जो कथन है ये मोदी जी ने बोला था, वो आलू से सोना बना रहे थे। आलू सोना बना, राहुल जी सोना नहीं बना रहे थे, मोदी जी आलू से सोना बना रहे थे, और वो वही है जो बच्चियों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन बच्चों कर रहे थे जो लंदन में बोला गया। पहली बात बोल रहे थे आपने, हाँ। अनुजा को पूरा टाइम दिया, मुझे भी दीजिए। ये बोल रहे थे कि क्या राहुल गांधी नेता है, ये तो खुद ही कह रहे हैं राहुल गांधी नेता है, अमित शाह ने तो सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोल दिया। और आप जो है बार बार बोलते हैं कि इससे संगठन कर लिया, अरे आप बोलते हैं इतनी बड़ी पार्टी है, क्यों फिर अजीत पवार को जो है साथ में ले लिया? कल तक तो बोल रहे थे कि अजीत पवार से चक्के पिसवाएंगे, और मोदी जी बोल रहे थे 70,000 का घोटाला किया एनसीपी ने, अब उसी एनसीपी के जाके पैरों में पड़ गए, उसी को अपना रिश्ता। आया, क्या नाम है बाबू? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र, हाँ, भारद्वाज। कहाँ से आना हुआ भारद्वाज जी? बिहार दरभंगा से हैं। बिहार दरभंगा से आए हैं जी, बताइए। सर देखिए, मैम भ्रष्टाचार गिनवा रही थी, अभी हम उनको कहना चाहते हैं, जब राहुल गांधी या जितना भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार आया था, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला। देखो तुम जनता हो, तुम प्रवक्ता नहीं हो, और जनता का वही है कि मुद्दे पे नज़्म जो एकदम हाथ रहना चाहिए, कोई दाएं बाएं ना जाए करो, और उनकी भाषा सीखो ना, अपनी भाषा डेवलप करो, खुद नैरेटिव वही जो अपना हो। तो सर ये सब जो घोटाला हुआ था, ये सब घोटाला को पकड़ा कब गया था? यूपीए का जब सरकार था तब, ठीक है। अब रहा बात, आप लोग जो बोल रहे हैं कि जितना भी ये लोगों जो एनसीपी ये सब का बात कर, देखिए राहुल गांधी बोलते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार, केजरीवाल बोलते हैं लालू यादव, लालू यादव बोलते हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं पता है? जांच करवा देते हैं, पता चलता है सबके सब भ्रष्टाचार, तो यही हो रहा है इस देश में, पता चला सबका सब भ्रष्टाचार में आया जी। इनका जरा जवाब दे दूं, अजीत पवार जी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग कांग्रेसी, इनसे पूछिएगा एलओपी जो है, एलओपी ऑफ द एंटायर यूनाइटेड फोल्डर ऑफ एमवीए के अजीत पवार जी को बनाया हुआ था, तो उनको अगर वो इतने करप्टेड थे तो अजीत पवार को क्यों बनाया हुआ था? अब अजीत पवार जी अचानक से इनके अरे हम नहीं लाते, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता, आप लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता, ये चले जाते हैं लालू जी के पास भी, ये चले जाते हैं अजीत पवार शरद पवार के पास। अरे शरद पवार तो वही थे जो 1998 में क्या किया था, उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी अलग बना ली थी, और 1978 के अंदर भी अपनी पार्टी अलग इन्हीं को छोड़कर आ गई है, आपके अजीत पवार जी, शरद पवार जी। मैं आ रहा। प्रतीक जी, अब ईडी और सीबीआई डिपार्टमेंट तो खाली हो गया होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि सारे करप्शन तो इन्होंने अपने पार्टी में ले लिए, सारे भ्रष्टाचारी तो। वेरी वेरी गुड रितु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात तो जरूर था, ये जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि लड़ाई बड़ी खूबसूरत है, लड़ाई बड़ी खूबसूरत चल रही थी। हाँ, दोनों आदमी एक ही जगह बैठते हैं, फिर बाद हमारे लोगों को दिखाते हैं लड़ रहे हैं हम, और दोनों फिर एक ही जगह हो जाते हैं। अरे तो भैया,
कौन सा अनाज खाते हो आप? हम कौन सा खाते? गेहूँ आटा खाते हैं और क्या? गेहूँ खाते हो ना? आजकल गेहूँ नहीं खाया जा रहा है, आजकल मिलेट खाओ, मिलेट। क्या? यस मिलेट। मैं भाई साहब, आपने जो देखा, जो अभी आपने हम दोनों को देखा, देखो हम दोनों व्यक्तित्व तौर से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ आराम से बैठते हैं, यही होना चाहिए सारी जगह। पर क्या प्रॉब्लम है जब पार्टी की तरफ है तो मैं अपनी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, वो अपनी पार्टी से बिलोंग करती है, और हम लोगों को यह भेजा जाता है अपनी पार्टी को अपने सिर पर रख कर बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड जी। जरा मैं आ रहा हूँ। जी जी, सबसे पहले हमारी बहन ने राहुल जी वाली बात बोली। सुनो, हमारे आधा पैर इधर, आधा फागुन आधा जून ना करो, उधर जाओ, उधर पैर पर। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले राहुल जी वाली बात बोली, आलू से सोना बड़ा चला था। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बहन जाके पढ़ना और देख लेना, कांगड़ा की रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोली थी और उसको कोट किया था राहुल गांधी जी ने, इसलिए पढ़ना जरूर। और अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, बारहवीं के बाद, रुक जाओ मेरे प्रभु, बारहवीं के बाद इंटर, बारहवीं के बाद इंटर, बारहवीं के बाद इंटर, स्कूटी देंगे, नाले से गैस। क्या अद्भुत वैज्ञानिक है हमारे प्रधानमंत्री जी, अद्भुत। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, जवाब देना पड़ेगा आदिवासी। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति से यह विनती करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा जाए कि एक आदिवासी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मानवता शर्मसार हुई है, न देश शर्मसार हुआ, न समाज, पूरी मानवता को शर्मसार किया भारतीय जनता पार्टी के विक्षिप्त और विचलित मानसिकता के लोगों ने, जिसको आपने तैयार किया, जॉम्बीज, आपने जॉम्बीज तैयार किया। अरे जॉम्बीज जी, एक मिनट एक भैया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी आपने कहा यहाँ पे कि कल एक बड़ा घातक हुआ, दिल पे ठेस पहुँचती है। कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे सारे लोग, मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, घर भी डिबेट देखता हूँ आपकी, पहले भी बताया था। अरे डिबेट आपकी, अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने काली सारी पब्लिक को यहाँ पे गाली दी थी कल दी थी ना, डॉक्टर साहब को ये थे, सारी पब्लिक को बोला पागल है सारे। तो सारी पब्लिक, हम पागल है? नहीं नहीं, पागल हम किसी के पक्ष में बोलते हैं, हम पागल हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने कल उनको नहीं टोका? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक ने बोला कि मोदी हिटलर है, आदिवासी पर, आदिवासी युवक पर जो पेशाब किया गया ना, आदिवासी युवक पर, अरे पंडित हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ। आप ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैं प्रवक्ता हूँ क्या बोलते हैं? कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, कुछ करते हैं ना, कुछ बोलते हैं कभी कभी कभी, ये कभी है, इनको याद नहीं होगा। मैं तब पैदा हुआ, देश जब आजाद हुआ ना, तो किशोर कुमार पे बैन लगा दिया था कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने, इसको इनको ये ज्ञात नहीं है। आज इतना बोलते हैं, जल्दी जल्दी टुकड़े टुकड़े ज्ञान के पास कौन गया था, उनसे उनसे पूछिए, टुकड़े टुकड़े ज्ञान के पास कौन गया था? अरे रुकिए, बहुत आराम से, आराम से जी। जनता इधर कौन हाथ उठा रहा था? रुकिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। भाई साहब जो अभी भाई, देखिए देखिए, अब हो गया येलो, येलो टी शर्ट है, येलो है बस, अब हो गया, बस ज्यादा नहीं, बस हो गया अब। हाँ हाँ, हम तो अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं पे, अभी उनको फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं, अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, यहीं खड़े रहो जी। सर मेरा बहुत विनम्रता से एक सवाल है यार, विनम्रता यहाँ समझता ही नहीं कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक चिल्लाओगे नहीं, पागल नजर आओगे नहीं, कोई सुनेगा नहीं तुम्हें। इस देश का एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस मीडिया ने सेट किया है कि वो खुद पागल ना, जब तक देखो बोला जाएगा पागल बना रहेगा, एकदम बना रहेगा पागल, अपने का तो करेगा ही, घर परिवार सबकी तिरस्कार करवाएगा जी। सर सीधी में जो एक घटना हुई आदिवासी के लिए, जिसके लिए ये कोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसको सजा भी हो गई है, उसके घर पे बुलडोजर भी चला। लेकिन मैं ये कांग्रेसियों से और बाकी तमाम विपक्ष से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब देश के अंदर में, मथुरा के अंदर में एक ब्राह्मण को वही दलित लोग जलाकर मार देते हैं, तब कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? क्या इस देश में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? जब जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है? और जब मैं अब बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरी मुंह से गलती से भी ना भी निकले और मेरी किसी दलित से बहस हो जाए, वो मेरे नाम पे FIR कर देगा, मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन मुझे ब्राह्मण होते हुए माँ और बहन की मुंह पे गालियां बक देते ये, और मेरे पास वो अधिकार क्यों नहीं है कि मैं उनके खिलाफ केस कर सकूं? मैं एक बात कहना चाहता हूं,
आप पहले बोलेंगे कि मैं पहले आप बोलो, पहले आप मैं इसके बाद बोलता हूँ जी। देखिए मेरी बहन ने कहा कि